नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में हो रहे उन घटनाओं के बारे में जिसे देखकर हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी आग बबूला हो गए हैं और कुछ ऐसा करने की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के जैसा बांग्लादेश को भी सबक सिखाया जाएगा। क्या कुछ होने वाला है, कैसे हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश को पाकिस्तान के जैसा सबक सिखाएंगे, क्या प्लानिंग हो रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है। दरअसल बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वहां पर भारत विरोधी भावनाएं चरम पर हैं। कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर हमले कर रही हैं। अंतरिम सरकार में भी कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव है। अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर यूनुस भी कई बार भारत विरोधी बयान दे चुके हैं। अंतरिम सरकार शेख हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। इन सभी स्थितियों पर भारत लगातार मौन नजर रख रहा है। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी खुद प्रोफेसर यूनुस को कह चुके हैं कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। अगर वहां पर अल्पसंख्यकों परेशान करना बंद नहीं किया गया तो बांग्लादेश का भी वही हाल किया जाएगा जो हाल पाकिस्तान का हो रहा है। पीएम मोदी के एक इशारे पर बांग्लादेश का काम तमाम हो सकता है। वहां के कट्टरपंथी इस बात से अनजान हैं कि भारत के पास एक ऐसी चाबी है जिसके दम पर वह बिना किसी मिलिट्री या सैन्य अभियान के बांग्लादेश को तबाह कर सकता है। तो आइए मैं आपको को बताता हूँ कि वो कौन सी चाबी है जिसका ताला पीएम नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर खुल सकता है और बिना कुछ किए बांग्लादेश को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। दोस्तों, वो चाबी है फरक्का ब्रिज, यानी फरक्का बांध, जो गंगा नदी पर बना एक बांध है। यह बांध बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ब्रिज के जरिए ही भारत गंगा नदी का पानी कोलकाता बंदरगाह तक पहुंचाता है। इस ब्रिज के जरिए ही भारत गंगा नदी का पानी बांग्लादेश में जाने को नियंत्रित करता है। यह ब्रिज 2304 मीटर लंबा है। इस ब्रिज से करीब 42 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए गंगा का पानी हुगली नदी में डायवर्ट किया जाता है। इस ब्रिज की ताकत का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रति सेकंड यहां से 64,000 घन फीट पानी कोलकाता बंदरगाह की ओर डायवर्ट किया जाता है। ऐसे में भारत जब चाहे तब बांग्लादेश को घुटने के बल ला सकता है। मानसून के सीजन में फरक्का ब्रिज से अत्यधिक पानी की सप्लाई कर वहां बाढ़ जैसी स्थिति पैदा की जा सकती है। इसी तरह गर्मी के सीजन में पानी को नियंत्रित कर सूखे जैसी स्थिति पैदा की जा सकती है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने अपने इस हथियार का टेलर दिखा चुका है। ऐसे में पीएम मोदी बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अगर वहां की कट्टरपंथी ताकतों ने ज्यादा छूछपाट किया तो तिजोरी में रखी चाबी को मात्र निकालने की जरूरत है और बांग्लादेश का सफाया हो जाएगा। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा ही और वीडियो के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।